डिप्टी श्रीमती 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। महोदय, हमारे यहाँ अशांति क्यों होती रहती है? इसलिए नहीं कि पुलिस वालों की संख्या बहुत कम है, अशांति इसलिए होती रहती है कि समाज में ऊंच नीच है और लोग अनुभव करते हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। कानून और व्यवस्था की समस्या केवल भारत में ही नहीं है। मैं आपसे अमेरिका की ओर देखने को कहूँगी। मैं कहूँगी कि आप अन्य अनेक विकसित देशों की ओर निगाह डालें, जहाँ ना पैसे की कमी है, ना रोजगार की, ना दुनिया के सुख साधनों की। मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि एक अकेली स्त्री जितने सुरक्षित भाव से कोलकाता या दिल्ली की सड़कों से गुजर जाती है, उतनी उन देशों के अनेक शहरों से नहीं गुजर सकती। गुजरात को क्या सहायता दी गई? क्या आपने इसके आंकड़े देखने का कष्ट किया है? मैं यहाँ कागज पत्र लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि गुजरात को भारत के कई राज्यों की अपेक्षा अधिक सहायता मिली है। आपने एक या दो विशेष परियोजनाओं की चर्चा की है। प्रत्येक परियोजना पर उसकी आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा और आवश्यकता का यह अभिप्राय नहीं है कि अमुक फर्म या व्यवसाय गृह को क्या मिलता है। आवश्यकता का आशय यह है कि उससे देश को अपने पांवों पर खड़े होने में सहायता मिलती है या नहीं। हमें उर्वरकों की आवश्यकता है, हम उन्हें प्राप्त करने के लिए सभी संभव उपाय कर रहे हैं, लेकिन हम विदेशी कंपनियों के हाथ बिककर उर्वरक नहीं पाना चाहते। और जब तक मैं सत्तारूढ़ हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे कैसा भी दबाव क्यों ना पड़े। अगर आप चीखना चाहते हैं तो विश्वास रखिए, आप मुझसे ज़्यादा जोर से नहीं चीख सकते। इसका मुझे आपसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। प्रत्येक मामले को तब तय किया जाएगा जब वह विचार के लिए उठाया जाएगा। जहाँ तक टाटा परियोजना का संबंध है, वह योजना अभी सरकार के सामने नहीं आई है। यदि वह आएगी तो उस पर वैसी अन्य योजनाओं की तरह समुचित विचार किया जाएगा। अतीत में हमने कई बातों पर जल्दबाजी से काम लिया और आज हम उसका फल भुगत रहे हैं। आप महानुभावों को इस पर लिखी गई अनेक पुस्तकों के नाम बता सकती हूँ, जिनके लेखक ना तो भारतीय हैं और ना ही आदर्शवादी। महोदय, प्रत्येक कदम फूंक फूंक कर रखना होता है और हो सकता है
कि हम कुछ वर्ष गंवा दें, लेकिन स्वतंत्रता गंवाने की अपेक्षा वह अच्छा होगा। स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपनी सरकार होना नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ होता है कि हम निर्णय स्वयं कर सकें। हो सकता है कि वे निर्णय गलत हों, लेकिन वे हमारे निर्णय, भारत के निर्णय होने चाहिए। हमें कपड़ा उद्योग की समस्याओं का भी ध्यान है। हमने आधुनिकीकरण के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता को स्वीकार किया है। योजना आयोग ने कपड़ा उद्योग के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था, जिसने इसकी समस्याओं पर विचार किया। सिद्धांत रूप में यह निर्णय किया गया कि वित्तीय अभिकरणों के द्वारा धन उपलब्ध कराया जाए। हम अब वित्तीय संस्थाओं से बातचीत कर रहे हैं कि इन उद्देश्यों के लिए उधार की शर्तें कैसे उदार बनाई जा सकती हैं। आपने बंगलुरु की घटनाओं और बंबई में लिए गए हमारे कुछ निर्णयों की भी चर्चा की है। आप या भूल गए हैं कि वे निर्णय वास्तव में कांग्रेस द्वारा पिछले आम चुनावों के शीघ्र बाद किए गए थे। उन पर कार्य समिति में विचार विमर्श और एक राय से सहमति हुई थी और बाद में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार किया था। बंगलुरु में हमने केवल मोटे तौर पर नए सिरे से दिशा निर्देश दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक देश उस दिशा की ओर ना बढ़े, तब तक वह प्रगति नहीं कर सकता। मैं नहीं समझती कि आदर्शवाद और व्यावहारिकता को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। सभी देशों को अपनी प्रगति किसी ना किसी सिद्धांत पर आधारित करनी होती है। प्रश्न केवल यह नहीं है कि भारत में क्या हो रहा है, बल्कि प्रश्न परिवर्तन की उस लहर का है जो दुनिया भर में देखी जा सकती है। यहाँ अनुशासन और धैर्य के अभाव के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। मैं समझती हूँ कि इन शब्दों का प्रयोग करने से पहले आपको इनका अर्थ ठीक से समझ लेना चाहिए। आप शायद इसे अनुशासन कहेंगे कि इंग्लैंड में लोगों से बेगार ली जाती थी और उनसे दुर्व्यवहार किया जाता था, या छोटे छोटे बच्चे अंधेरी खानों में काम करने के लिए जाते थे और अंधे होकर बाहर निकलते थे। जब वे इन सब के प्रति विद्रोह करते थे, तो आप शायद
उसे अनुशासनहीनता कहेंगे। स्टॉप। अगर आप हमारे पेट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह की और डिक्टेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि हमारी प्लेलिस्ट में उपलब्ध सभी डिक्टेशन की यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी शब्द की डिक्टेशन नहीं आएगी। इसलिए प्लेलिस्ट में जाकर उपलब्ध सभी डिक्टेशन की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। शॉर्ट हैंड और टाइपिंग में किसी भी प्रकार के डाउट के लिए कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।